हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर जो कि 21 इंच में रहने वाला है और ये जो है आपका डीजे प्लस का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका अनबॉक्सिंग देखते हैं। अनबॉक्सिंग के साथ साथ यहाँ पर आप मॉडल नंबर देख सकते हैं, C21 3000। ये डीजे प्लस का चैलेंजर सीरीज़ का स्पीकर है जो कि 21 इंच में है और 6 इंच वॉइस कॉइल में रहने वाला है। कंपनी इसका आरएमएस पावर जो है 3000 वाट बोलती है। तो इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग, क्लोज लुक, टेक्निकल डिटेल्स और विदाउट कैबिनेट साउंड टेस्टिंग देखेंगे। तो बने रहे वीडियो पे, आइए देखते हैं कि स्पीकर हमें कैसा देखने को मिलता है। और दोस्तों, इससे पहले डीजे प्लस ने कई 21 इंच के मॉडल लॉन्च कर चुका है पहले से ही, लेकिन ये उसका सबसे अपडेट वर्जन है। तो लेटेस्ट वर्जन होने की वजह से इसका क्वालिटी जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट कह सकते हैं। डीजे प्लस के जितने भी 21 इंच के स्पीकर हैं उन सबसे ये तगड़ा स्पीकर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्पीकर का क्लोज लुक देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा डीजे प्लस का जो स्पीकर का पैकिंग होता है वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है। फुल प्रोटेक्शन के साथ में स्पीकर जो है पैक किया जाता है कंपनी के द्वारा, ताकि ट्रांसपोर्ट के द्वारा किसी प्रकार का डैमेज स्पीकर को ना पहुंचे। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पीकर देख सकते हैं कितना भारी स्पीकर है। मतलब एक आदमी से थोड़ा दिक्कत होता है उठाने में इतना बड़ा स्पीकर जो है, क्योंकि मैग्नेट साइड का वजन काफ़ी ज़्यादा होता है। मॉडल नंबर यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, इसमें जितना भी टेक्निकल डिटेल्स है। 6 इंच का वॉइस कोइल होता है जो कि इनर आउटर वाइंडिंग के साथ में आता है। काफ़ी बड़ा वॉइस कोइल 6 इंच में, और 21 इंच के स्पीकर में 6 इंच का वॉइस कोइल ही जो है सूटेबल है। लगता भी है कि स्पीकर बजेगा। यहाँ पे पेपर कोन आप देख सकते हैं, इस बार डिफरेंट पेपर कोन कंपनी ने यूज़ किया है। आप इसे वाटर प्रूफ टाइप पेपर कोन मान सकते हैं। तो काफ़ी मैसिव स्पीकर है दोस्तों। इसके लिए बहुत ही हैवी कैबिनेट चाहिए, क्योंकि स्पीकर खुद हैवी है तो कैबिनेट तो हैवी रहना ही चाहिए। जनरली जो है हम 6 इंच के वॉइस कॉइल वाले बहुत से स्पीकर देखे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। मतलब कह सकते हैं कि सबसे हैवी स्पीकर हम इसे मान सकते हैं। वॉइस कॉइल यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 इंच पूरा दे रखा है कंपनी के द्वारा। कंपनी जो है ज़्यादा डिटेल्स मेंशन नहीं करती वेबसाइट पे। 320 mm का मैग्नेट, काफ़ी मोटा मैग्नेट होता है इस स्पीकर्स का। चलिए इसका फ्रंट साइड देखते हैं, बहुत ही शानदार लुक है इसका, देख सकते हैं। देखते ही समझ में आ रहा है स्पीकर की क्वालिटी क्या मिल सकता है हमें। पेपर कोन इस टाइप का यूज़ किया है कंपनी ने, ताकि आपको वाइब्रेशन के साथ साथ पंच भी तगड़ा मिले। इस टाइप के पेपर कोन में पंच काफ़ी अच्छा मिलता है। मशीन सील्ड कैप मिलता है यहाँ पे, सामने आप देख सकते हैं। 4 पैरी वाला सस्पेंशन, अगर पेपर कोन का राउंड को भी गिना जाए तो 4 सस्पेंशन वाला पेपर कोन है, जिसे आप पैरी भी बोलते हैं। दोस्तों, इस स्पीकर की सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि इसमें जो सस्पेंशन वायर है वो स्वाइडर के साथ ही साथ कॉइल के पास गया हुआ है। इससे क्या बेनिफिट ये है कि इसका जो पेपर कोन, या फिर कह सकते हैं कि कॉइल जब जंप करेगा तो लीड वायर इसका टूटने का चांस ना के बराबर होता है। तो ये सबसे अच्छी बात है, और इस टाइप का टेक्निक इसी स्पीकर के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि इतना हैवी स्पीकर जो कि 21 इंच में है तो इसका एक्स मैक्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से लीड वायर टूटने का चांस रहता है। तो इस समस्या को देखते हुए कंपनी ने जो है इस बार लीड वायर को स्पाइडर के साथ में अटैच किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा स्पीकर है दोस्तों, इस स्पीकर के लिए बिल्कुल एक लाइक बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका साउंड टेस्टिंग देखते हैं, उसके बाद आप बताना कि आपको ये स्पीकर पर्सनली कैसा लगा। तो लगा लीजिए अपना हेडफोन, क्योंकि इस स्पीकर ने जो है विदाउट कैबिनेट भी आसपास के सामान को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए इसका साउंड टेस्टिंग देखते हैं, हेडफोन जरूर लगाइएगा।
दोस्तों ये देखा आपने इस वाले स्पीकर का साउंड टेस्टिंग। साउंड टेस्टिंग आपको कैसा लगा, स्पीकर की क्वालिटी आपको कैसा लगा, बिल्कुल कमेंट करिएगा। और हाँ, ये स्पीकर जो है अभी मार्केट में नया है, तो इसलिए इसका प्राइस का अंदाज़ा मुझे भी नहीं है। और अभी मैंने कंपनी से बात करी तो इसका प्राइस लिस्ट उतना क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसका प्राइस लिस्ट एकदम 100% क्लियर करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ पर आप इसका प्राइस देख पाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपके एरिया में ये स्पीकर ऑलरेडी मिल रहा है और आप इसका यूज कर रहे हैं, तो जो भाई इसका यूज कर रहे हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते चलेंगे कि इसका क्वालिटी आपको कैसा लगा और आप इसके लिए कौन सा एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। फिलहाल इतने बड़े वॉइस कॉल वाले स्पीकर के लिए, और क्योंकि इसका पावर भी ज़्यादा है, इसलिए कम से कम आप इसके लिए 10 से 12,000 वाट का एम्पलीफायर यूज़ करना होगा। दोस्तों इस टाइप के स्पीकर के लिए आपको बहुत हैवी मशीन यूज़ करना होगा, और अभी मार्केट में बहुत से ऐसे एम्पलीफायर आ चुके हैं क्लास डी में जो कि इस टाइप के स्पीकर को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने बहुत से एम्पलीफायर का कलेक्शन किया हुआ है, उस वीडियो मैंने बताया है कि 6 इंच के वॉइस कॉइल के लिए कौन कौन से एम्पलीफायर बेटर रहेगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं वीडियो के साथ में। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।